Because अरे चुपके से वो आए और आके मुझे सताए, ले बाहों में और खुद ही सो जाए। माय दिल को जुम ओ ओ। तो कैसा सारे स्वागत है हमारे से लड़के में, नमस्ते सभी को। सो आज तो हमने सही पढ़ा, आपने जो टाइटल पढ़ा है उसका नाम है स्लीपिंग संडे। इसलिए क्योंकि यार ये सिर्फ शायद मेरी कहानी नहीं, मुझे लगता था कि क्यों मैं ट्राई कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बने पर नहीं बन पाता, अजीब लगता है। अब अगले संडे वैसे नहीं बन पाएगा क्योंकि उस संडे के आसपास मेरा पेपर है। तो इस बार मैं सोचा यार कि कहीं घूमेंगे, पर मैं एक्चुअली बता रहा हूँ मैं हद से हद एक शॉप तक गया था और वहाँ से वापस आया, बस इतना बाहर निकला हूँ मैं। नहीं तो शायद कपड़े धोने के चक्कर में दो तीन चक्कर बजे थे, नहीं खाने के चक्कर में। तो आज क्या हुआ, हुआ क्या कि आज अंकल ने बनाई सब्जी, तो मैंने कहा अंकल रोटी बना दो साथ में, ऐसे सब्जी के साथ चावल कैसे खाए बंदा। तो अंकल कहते कि आंटी गई हुई एक्चुअली कहीं पे मायके शायद, तो अंकल कहते कि चावल ही है। तो फिर मैंने रोटी बाहर से मंगा ली। सही अंकल थोड़ी ज़्यादा मिर्ची डालते हैं, पर रोटी के साथ खाना इस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, नो ऑफेंस टू एनीवन। तो पहले उठा लेट, नौ बजे उठा, मतलब मेरे लिए लेट है क्योंकि मैं जनरली 7 बजे के आसपास उठ जाता हूँ। एंड 9 बजे उठा, फिर उठ के नाश्ता किया, कुछ खास पढ़ के, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के, फिर खा के सो गए, फिर उठा खाया, फिर सो गए, फिर रात को फिर सो जाना है। इसलिए इसको स्लीपिंग संडे माना गया क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। जो बंदा जिसका कोई ट्रिप नहीं है आज या जिसका अगले दिन कोई पेपर नहीं है, वो उसका दिन गारंटी की गारंटी सोने में निकलता है। मेरा दोस्त है एक, वो भी अच्छा खासा होता है, वो रात सुबह 10 बजे उठता है, दोपहर को 3 बजे सोया था, 7 बजे उठता है, फिर अब वो भी सोचेगा शायद। कह सकते हैं हम कॉर्पोरेट लाइफ वाले सर लग गए हैं, तो ऐसी लाइफ जा रही है। अभी खाना मंगाया तो बताएंगे आपको। खाना मंगाया पनीर टिक्का मसाला। मैं जनरली मंगाता हूँ पनीर बटर मसाला, पर आज मंगाया पनीर टिक्का मसाला, बताऊँ वो कैसा है। पर मैं जनरली एक होटल का नाम है वो खोल के दियो, वो डुंजो पे वो खोल के दियो, डुंजो ऐप से मैं ऑर्डर करता हूँ। सो अगर आपको रेफरल कोड चाहिए तो कॉन्टैक्ट में अभी दे दिया हूँ। सो मैं जनरली खाना मंगाता हूँ ना मुगल पैराडाइज से, इसका खाना अच्छा होता है एंड क्या कॉस्ट इज ऑल्सो गुड। सो इसकी रोटी मैंने दोपहर को इसी की मंगाई थी और अभी पनीर टिक्का मसाला और रोटी इसी की है, तो खा के बताएंगे कि कैसा था कैसा नहीं है। तो ऐसे ही गया मेरा दिन आज का। एंड आज उसके बाद में हुआ थग्स ऑफ हिंदुस्तान, और अगर अच्छा होगा या जैसा भी होगा कल आपको इसकी आर के रिव्यूज एंड आर के रेटिंग्स मिल जाएंगे। ओके सो लास्ट में यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्ते, बेल आइकन को हिट कर देना।